जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम, कभी दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मियां, मॉर्निंग। कैसे हो नईम मियां? सब खैरियत। और सुनाइए, बच्चे बच्चे ठीक ठाक हैं? सब खैरियत। क्या काम धाम चल रहा है आजकल आपका? बस ड्यूटी। वो हुआ क्या? दिखाइए दिखाइए। ये क्या है? हैं? What is this? तुम्हारी इतनी जरूरत कि मेरे हुक्म के बाद भी इस हुक्म अदूदी का मतलब जानते हो तुम नहीं मियां? सूर, इस हुक्मनामे से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, दलदल की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। तो हो जाने दो, उनमें क्या को तुम्हारा सगा है क्या? अल्लाह और इंसानियत दोनों की नजर में गुनाह है हुजूर। अल्लाह पाक को बीच में मत लाओ नहीं मियां। रही लोगों की बात, तो आज हम लोगों की गिनती क्या है? कीड़े मकोड़े हैं या कीड़े मकोड़े? सिर्फ इतना ख्याल रखो नहीं मियां, तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है। जितना तुमसे कहा जाए उतना ही काम करो, वरना। लेकिन हुजूर, डैम का यही बनना जरूरी है क्या? यहां ज्यादातर आबादी मुफलिसों की है, उन्हें बेघर करना जरूरी है क्या? यूं तो आसपास साइड के लिए काफी इलाका खाली पड़ा हुआ है। लगता है तुम्हारे सर पर गांधी जी के विचार बड़ी मजबूती से नाच रहे हैं। देखो देखो नहीं मियां, हमारा फायदा इसी जगह डैम साइट फाइल करने में है, और मंत्री जी का हुक्म भी यही है। और गौर से सुनो, यहाँ की जमींदार आबादी भी यही चाहती है, और तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो हम केवल वही काम करते हैं जिसमें हमें फायदा नजर आता है। और तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अरे तुम तो एक अदना से मुलाजिम हो, सिर्फ जितना तुमसे कहा जाए बस वो हुक्म को पूरा करते रहो, और अपनी जेबें हमारी तरह नोटों से भरते रहो, जिंदगी के मजे लेते जाओ। वरना। वरना क्या हुजूर? वरना इस डैम के पीछे जिन लोगों के हाथ हैं वो तुम्हारी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो नईम मियां, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। नादान मत बनो, काफी समझदार हो, सोच समझ कर फैसला लेना, समझे?
हाँ तो नहीं मियाँ, काम वाम तो तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा है? जी हुजूर। इस तरफ दो तीन मजदूर और भिजवा दो जी। और हाँ, मैं एक जेसीबी और भिजवा रहा हूँ जिससे तुम्हें काम में और सहूलियत हो जाए, ठीक है? जी हुजूर। ध्यान से देखना, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, क्या सोचा तुमने? किस बारे में हुजूर? क्या नहीं मियाँ, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, इतने समझदार होकर भी ना समझी वाली बात कर रहे हो। किस बारे में हुजूर? अरे पूरा महकमा इसी तरह से चलता है, ना लेते हो ना देते हो, फिर गुजर बसर कैसे करते हो? मेरा जमीर इस बात के लिए इजाजत नहीं देता हुजूर। आप खुद सोचिए, इस इलाके के मुफलिस लोग कितने बर्बाद हो जाएंगे। और फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इस डैम के बनने से कितने किसानों को फायदा होगा। अरे फायदा ही फायदा होगा, हमें फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, मंत्री जी को फायदा होगा, ऊपर तक फायदा ही फायदा होगा मियाँ। मुझे कैसे? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अरे मैं चीफ इंजीनियर ऐसे ही थोड़ा ना बन गया हूँ। तुम्हें प्रमोशन चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों, मैं कैसे? ओफो नहीं मियाँ, आप तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हुजूर, अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा, इतनी बेईमानी क्यों हुजूर? फिर अल्लाह ताला को बीच में ले आए आप। देखो नहीं मियाँ, समझने की कोशिश करो, सामाजिक बनो, व्यवहारिक बनो। घर बार है ना, बीवी हाँ? बच्चे हैं है? उनकी कुछ उम्मीदें होंगी तुमसे, कुछ ख्वाहिशें होंगी तुमसे, क्या तुम उनकी उम्मीदों को पूरा कर पा रहे हो? अगर उन्हें बेहतर जिंदगी देना चाहते हो नहीं मियाँ, तो मेरी बात मानो, इसे अपना लो। फिर देखो जिंदगी कितनी हसीन लगती है, कितना मजा आता है। क्या सोचने लगे नहीं मियाँ, तुम्हारे अब्बू भी तो हैं, वो भी तो कुछ चाहते होंगे तुमसे। अरे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, तुम क्या दे पाए उनको? कुछ दे पाए नहीं। सोचो सोचो नहीं मियाँ, सोचो, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अरे तुम अपने अब्बू के लिए कुछ कर पाए तो कितना फख्र महसूस करेंगे, गर्व के साथ उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, नाते रिश्तेदारों में कहते फिरेंगे, हाँ उनका बेटा किस मकाम पर पहुंचा। मान जाओ नहीं मियाँ, मान जाओ, नहीं तो पछताओगे। आपने अपनी बीवी जीनत के लिए क्या किया है, अपनी बेटी नूर को क्या दे रखा है? अरे क्या सोचते होंगे वो लोग अपने मन में, किस तरह से पाल रहे हो आप उनको? नहीं मियाँ, रस्म और रिवाज तो वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। इस फाइल पर साइन करो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब्बू चुप हो जाए, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते बेटे। आपकी बार हम आएंगे ना तो आपके लिए ढेर सारे खिलौने लेके आएंगे, आपके अब्बू का आपसे वादा है। तौबा तौबा तौबा, अरे मर्दूद, पहले मेरा कर्ज तो चुका दे, उसके बाद ही इस मनहूस की फरमाइशें पूरी कर दियो। तुझे मालूम है तेरी तालीम के पीछे मेरा कितना खर्च हुआ है? 3 लाख रुपए, 3 लाख। और अभी तो उसकी पहली किश्त आई है, वो भी सिर्फ 3000 रुपए। खुदा के वास्ते खामोश हो जाइए अब्बू जान, हम आपके कर्ज की पाई पाई चुका देंगे। चुका देंगे, खाक चुका देंगे। अगर तुम्हारी कर्ज अदायगी की रफ्तार यही रही तो हम तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे बिना कर्ज वसूल किए। अब्बू जान खफा ना हो, मुतमईन रहे, हम जल्द से जल्द आपका सारा कर्जा चुका देंगे। वो तो हम वसूल करके ही मौत को गले लगाएंगे, इससे कबल अगर मौत के फरिश्ते भी आ गए ना तो उनके भी साथ जाने से मना कर देंगे। औलाद से कर्ज वसूल नहीं किया ना, लानत है हम पर। या अल्लाह रहम कर, ये तो सच में हदी हो गई। आपके अब्बा जान ने तो हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। भला भला दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? जीनत,
हमारे अब्बा जान के बारे में गलत अल्फाज मत निकालो और तहजीब से पेश आया करो, उनके बारे में अदब से बात किया करो। अरे वाह, औलाद हो तो ऐसी, जरा बताइए हमने कुछ गलत कहा क्या? आप जानते भी हैं कि आपके अब्बा जान दिन रात हाथ धोकर हम दोनों माँ बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। आप जानते हैं हर वक्त आपकी पैदाइश के वक्त से लेकर आपकी नौकरी लगाने तक के खर्चे का लंबा चौड़ा हिसाब बनाकर हमको सुनाते रहते हैं। जानते हैं वो हमसे क्या कहते हैं कि तेरा शौहर मेरा कर्जदार है, और आप जानते हैं किस मासूम से वो क्या कहते हैं, तेरा बाप मेरा कर्जदार है। अरे हम माँ बेटी के कान थक चुके हैं ये ताने सुन सुनकर, और हद तो ये हो गई कि आप सिर्फ दो दिन के लिए यहाँ गांव में आए हैं और उस पर भी इस बूढ़े ने आपका जीना मुहाल कर रखा है। या खुदा। जीनत बेगम मायूस ना हो, हम जल्द से जल्द उनका कर्ज लौटा देंगे, अब कोई ना कोई राय निकल आएगी, मायूस ना हो। दादा जान बहुत बुरे हैं। नहीं बेटे, अपने बुजुर्गों के लिए ऐसे अल्फाज नहीं निकालते बेटे। कहीं जा रहे हो क्या? सुबह जाऊंगा, मुलाजमत तो करनी है। गोया के घर की जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मेरी तकदीर ही खराब थी जो तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया, सारा वक्त बर्बाद कर दिया। कोई दरकार नहीं मुझे, ईमानदारी को लतीफों में बांटा जाता है। हर शख्स पैसों के पीछे भाग रहा है। हकीकत यह है कि सच्चाई दम तोड़ रही है और बुराइयां हर जगह बेशुमार हैं। अपनी सोचो, औरों की छोड़ो। कब तक स्कूटर पे ये आना जाना लगेगा? तुम्हारे साथ के जितने लोग इंजीनियर थे सब शहरों में अपना मकान बना चुके हैं। अब्बू जान, आप अपने बेटे को औरों से ना जोड़ें। सदाकत मेरा जमीर है और खलावत मेरा जख्म, और बीच बाजार में भी मुझे अपने आप को बेचना पड़े ना तो बेच दूंगा, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अब्बा जान, आज तसव्वुर में जो ईमान की मीनार दिखाई देती थी ना, अब वो नहीं दिखाई देती। ये हुई ना बात, यही वक्त है अपनी उम्मीदों को पूरा करने का, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। चलो ऐसे भी जीकर देख लेते हैं, जहां वालिद साहब नाराज हैं क्योंकि उनका बेटा नमाजी है लेकिन रिश्वत नहीं लेता, बेटा रोजेदार है हराम का खाना नहीं खाता, हमें हलाल की रोजी से जकात निकालनी नहीं आती, मगर हराम की कमाई से उम्मीदों को खरीदना जरूर आता है। अब इस दिल के दो टुकड़े होंगे, एक जो आप लोगों के लिए कटेगा और दूसरा मेरे ईमान के लिए कटेगा। नईम, जमाने के रुख को पहचानो, वरना अजीजों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा। क्यों भाई नईम मियां, कहां उड़ान भरने लगे? जी नहीं, कहीं नहीं हुजूर। नहीं कहीं तो कुछ सोच रहे हो आप? आप इत्मीनान रखिए, अब से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत खूब भाई, बहुत जल्द नंबर पर आ गए आप। चलो खुशी हुई सुनकर, यहाँ के ठेकेदार बहुत ही खूंखार और खतरनाक है, अगर इनसे पंगा लिया ना तो जीना हराम कर देंगे। बात को समझो नईम मियां और इस पर साइन करो और एक खुशहाल जिंदगी जियो। वेरी जी, बैठो बैठो, आराम से बैठो, बैठो बैठो बैठो, ये लो, आराम से देखो समझो पढ़ो और तब दस्तखत करो। अरे घबराओ मत, हम बैठे हैं यहां पर। लीजिए हुजूर,
हमने आपके हुक्म की तामील कर दी। गुड, वेरी गुड नईम मियां। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप इस फाइल पर दस्तखत करोगे। देखो नईम मियां, ये आपका हिस्सा। अरे क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? लो ना। अरे ये दस्तूर है, ये तुम्हारा हक है, इसको लो, लो ना। अरे क्या देखते हो, ये पहली किश्त है, अभी और बहुत मिलेंगी, रखो इसको। और जब तक डैम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इस तरह की किस्तें मिलती ही रहेंगी। लेकिन हुजूर, यहाँ की मुफलिस आबादी कहाँ जाएगी? अरे चली जाएगी जहाँ जाना है, तुम क्यों चिंता करते हो? हुकूमत उनको मुआवजा दे तो रही है, हमें उन्हें जंगल साइड में बसाने का हुक्म तो मिल चुका है, तुम क्यों फिक्र करते हो? लेकिन हुजूर, वहां तो दलदली जमीन है। ये मुफलिस जब वहां पर जाएंगे तो अपनी रिहाइश का खुद इंतजाम कर लेंगे, इनकी फिक्र छोड़ो, बड़े सख्त जान होते हैं ये लोग, अपनी और अपने परिवार की फिक्र करो। अगर इनमें से 10-15 मर भी जाते हैं तो क्या है, अब इसे संभाल कर अपने पास रखो, इत्मीनान से घर जाओ और ऐश करो, ठीक है? ये लो। अरे ये तो जुलेखा का बेटा है। अरे इसे तो सांप ने काट लिया है। अरे अरे देखो ये तो सारा नीला हो रहा है। अरे इसके तो मुंह से भी झाग आ रहे हैं। जुलेखा को तो कोई खबर करो, उठाओ लेकर उठाओ, चलो। या अल्लाह, ये तेरा कैसा कहर है, पहले मेरे शोहर को और अब मेरे जिगर के टुकड़े को। या अल्लाह रहम कर, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आगे कोई मेरे बच्चे, आगे कोई, तेरे बाद, तेरे बाद तेरी अम्मी का क्या होगा मेरे बेटे? नाज बेटे, डैम वालों ने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। बड़ी जालिम है ये दुनिया। या मेरे अल्लाह, उठाना तो मुझे उठा ले, इस गरीब ने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी। मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मोहतरमा आप बताइए कि आपके शोहर के साथ क्या क्या हुआ था? ये कैसा सवाल है? जमींदारों और ठेकेदारों की शय पर डैम वालों ने हमें हमारे घर से बेदखल कर दिया और हमें इस जंगल में रहने को मजबूर कर दिया। और आप सिर्फ हमसे दरियाफ्त करने आई हैं कि हमारे शौहर के साथ क्या हुआ? आप सब भी इंदरिंदों के साथ मिले हुए हैं। नहीं मोहतरमा, हम किसी से नहीं मिले हुए हैं। आप बस हमें ये बताइए कि आपके साथ अब तक क्या क्या हादसे हुए हैं? जब हमें हमारी बस्ती से खदेड़ दिया गया तो हम इस जंगल में आ गए और यहाँ की दलदली जमीन को बड़ी मुश्किल से पाट कर हमने अपना आशियाना बना लिया, पर हम पर तो कयामत का कहर ही टूट पड़ा। मेरे शौहर जंगल से लकड़ियां लेने गए थे कि वहां उन्हें एक खूंखार शेर ने दबोच लिया। और सुना है कि आपके शौहर की लाश तो मिली ही नहीं थी। हाँ, उनका सिर्फ एक हाथ ही मिला था। तो हाथ देख करके आपने कैसे पहचाना कि वो आपके शौहर का ही हाथ था? क्योंकि उनके दोनों हाथों में छह उंगलियां थी। ओ, आई सी। तो क्या आपको सरकार की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं। रेडी? देखिए, मैं आपसे जो भी पूछूं उसके जवाब दीजिएगा। क्या आप ही इस बस्ती के मुखिया हैं? बस्ती का मुखिया? बस्ती नजर आ रही है आपको कहीं? अरे जब बस्ती ही नहीं है तो मुखिया कैसा? आप तो अजीब बातें कर रहे हैं। तो फिर क्या करूं? सब कुछ तो खत्म हो गया है। डैम के नाम पर गरीबों को उजाड़ दिया गया, बदहाली में जी रही आबादी को दर बदर कर दिया गया, और हम कुछ भी नहीं कर पाए। बस हम हाथ बांधे सिर्फ देखते रहे। लानत है हम पर। मगर आप तो इस बस्ती के मुखिया हैं,
फिर आपको कैसी मजबूरी? हुकूमत के फरमान के आगे हमारी क्या बिसात है मोहतरमा। देख रही हैं ना आप किस तरह से ख्वातीन, बच्चे, मर्द सब दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहा था घर के बदले घर देंगे, मुआवजा देंगे, कुछ भी तो नहीं दिया। सब जमींदार, ठेकेदार और अफसर मिलकर हड़प कर गए। आवाज दबाने के तरीके भी तो इनके कम खौफनाक नहीं है। इन मुफलिसों और बदहालों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, और अब तो खुदा भी हमसे रूठ गया है। इत्मीनान रखिए। इत्मीनान ही तो रखे हुए हैं। देखिए, हम आपको आपका हक जरूर दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे ना? हाँ। कुछ नहीं होगा मोहतरमा, आपकी आवाज भी दबा दी जाएगी या फिर खरीद ली जाएगी। अबे नमक हराम, बता तू चोरी करने से तो बाज नहीं आएगा है? बता तूने माल कहाँ छुपा रखा है? बता। मैं कोई चोरी नहीं की सर। सर चोरी नहीं की, नहीं की। मैं बता नहीं की मैंने चोरी। देख, मैंने कोई चोरी नहीं की। हर चोर यही बताता है कि मैंने चोरी नहीं की है, और सच बलवाने के हमारे पास और भी तरीके है। साला मार खाते भी नहीं सुधरता। चल नहीं की, नहीं ऐसे नहीं मानेगा। सही बता। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा ना। अच्छा चल, तू नहीं बताना चाहता ना, माल तू रखना चाहता रख ले, लेकिन यहां से तभी तू जा पाएगा जब 10,000 की गड्डी मेरे हाथ में देगा। चल जा, बख्श दिया, अंदर जाके हिसाब कर ले। सब मैं हिसाब कर दूंगा साहब, सब मैं हिसाब कर दूंगा, मैं हिसाब कर दूंगा। आदाब सर। अरे नईम सर, आप यहाँ? बस जनाब, हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने आपको याद किया है, उन्होंने शाम को मुलाकात का वक्त मांगा आपसे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, साहब को बोलिए कि शाम को हम सर के बल उनके दौलत खाने में हाजिर हो जाए। जी शुक्रिया। मेरा मुआवजा दिलवा दीजिए साहब, पहले मेरे शोहर चले गए, फिर मेरा बच्चा भी। मुझ दुखिया का कोई नहीं है साहब, मैं बिल्कुल अकेली हूँ साहब। साहब रहम करो साहब, साहब मेरा मुआवजा दिलवा दो साहब, साहब। जो 2,000 रुपए की रिश्वत मुझे देगा उसे मुआवजे की रकम भी दी जाएगी और घर भी मिलेगा। यहां बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता मोहतरमा, कोई काम नहीं होता। पैसा फेंको, तमाशा देखो, सोच लो तुम पूरी जिंदगी इन जंगलों में गुजारना चाहते हो या फिर जल्द से जल्द अपना घर वापस पाना चाहते हो। मामला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो, नहीं तो यहां वक्त किसके पास है अपने हक की लड़ाई लड़ने का? दो हजार रुपए साहब, मैं कहां से लाऊंगी साहब? मैं बहुत गरीब औरत हूं साहब। 2,000 याद रखो, जो बाढ़ में बह गया, डूब गया, सो गया, उसे भूल जाओ। अब आने वाले कल के बारे में सोचो, सोचो। ऐसा मत बोलो साहब, मैं गरीब औरत, 2,000। तुम सोचो, अभी मैं आता हूं। हाँ सोचो। 2,000
बोलो हुजूर। हुजूर, हुजूर ये रस्सी ले लीजिए हुजूर। आप जो भी कीमत देंगे मुझे मंजूर है हुजूर। रस्सी? नहीं, ये तो बहुत कमजोर है। नहीं हुजूर, देखिए तो सही, बहुत मजबूत है रस्सी। लीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। हुजूर ले लीजिए ना, आप ही रस्सी लेंगे ना तो अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा हुजूर। मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए हुजूर, मैं बड़ी मेहनत से रस्सियाँ बनाती हूँ हुजूर। ले लीजिए हुजूर। अजीब खातून है, एक बार कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हुजूर। आप जाइए यहाँ से, चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बिना पूछे चले आई, जाइए यहाँ से। ये मुझे बेवकूफ समझती है, मुझे पता है इस पर पुलिस की नजर है, मीडिया की नजर है। अगर मैं फंस जाता तो लोग क्या समझते कि मैंने रिश्वत ली जुलेखा से। मैं रस्सियां बुनकर बेच रही हूं, मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। ये रिश्वत देकर मुझे घर और मुआवजा दोनों मिल जाएंगे। कोई तो एक कागज पढ़ लो, कोई तो एक कागज पढ़ लो, कोई तो एक कागज पढ़ लो।